तो भैया कौन सा आंसर आया, कोई बताएगा? कोई? पाई आर क्यूब। ओके, इसका 8/3 पाई आर क्यूब आंसर नहीं है। नेक्स्ट आंसर, फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब इसका आंसर नहीं है। अब सिर्फ 50% चॉइस बची। ए इसका आंसर ए भी नहीं है। अब बताओ इसका कौन सा आंसर। पाई आर क्यूब। तो हम देखते हैं कैसे आया क्वेश्चन। हमने लास्ट क्लास में पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी, ठीक है ना? तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? ऊपर था वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम, और नीचे था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फिर हमने इसी की जगह रख दिया था जेड इंटू 4/3 पाई आर। हम सब जानते हैं एफसीसी में, इतना तो याद हो ही गया होगा कि जेड की वैल्यू 4 होती है और ये 4 4 जो सुना है 16 होता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16/3 पाई आर, ठीक है ना? इसलिए नीट में 4 साल लगते हैं। पहले साल बच्चा एक करता है वो गलत हो जाता है, फिर दूसरे साल करता है, फिर तीसरे साल, फिर फोर्थ ईयर में एक ही रहता है। तो अगर आपको ढंग से सीखना है, ठीक है ना, तो आराम से पढ़ो बिना किसी स्ट्रेस, और दिमाग कान सब खुले रखो। हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक है डेंसिटी। टॉपिक का नाम है डेंसिटी। ओके, तो हमने लिख लिया डेंसिटी। और आपकी वीडियो स्टडी हो गई है, है? क्या आपकी वीडियो स्टडी हो गई है? रुक गई है आपकी वीडियो? अच्छा, रुक गई है। देखते हैं भैया क्यों रुक गई। देख आ गई क्या? हम ही आते हैं अब सामने। आ रही है यार तेरी। हाँ सर, आपकी डेंसिटी लिखा हुआ है। अरे तेरी तेरी रुक गई थी और तूने हमारी वीडियो हिला दी। डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, ये सब छोटी क्लास से जानते हैं। ओके, अब ये मास किसका होगा? ये मास होगा यूनिट सेल का, मास ऑफ यूनिट सेल। और नीचे वॉल्यूम किसका होगा? वॉल्यूम होगा यूनिट सेल का। ओके, कोई डाउट इतने में? नो। अब वॉल्यूम तो हम सब जानते ही हैं, ए क्यूब हो जाएगा क्योंकि हम क्यूब में पढ़ रहे हैं, बाकी क्रिस्टल अपने स्टडी नहीं करते। अब मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का मैं यहां पर अभी तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, फिर अलग से बता सकता हूं। और ये है एन। अब बच्चे कहेंगे ये एक पार्ट कहां से आया, तो हम देखते हैं इसको, हम साइड में यहां सॉल्व कर देता हूं। ओके, तो एन ए एटम का वेट एम है। एन ए एटम का वेट कितना है? एम, ठीक है ना? तो उस यूनिट सेल में कितने एटम है? वन जेड। कितने है? जेड। अभी हमको पता नहीं कौन सी यूनिट सेल है, तो जेड का वेट क्या हो जाएगा? एम इंटू जेड इंटू एन ए। तो हमने मास ऑफ वन यूनिट सेल की जगह इस वैल्यू को पुट कर। ओके, क्लियर ये पार्ट कि जेड एम एन ए कहां से आया? और नहीं भी आता कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद करना ज्यादा जरूरी। इसकी डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मींस है एम जो है वो ग्राम में लेंगे, ठीक है? और यहां पर जो ए है वो एज लेंथ है। वो क्या है? एज लेंथ। एज लेंथ को किस में लेंगे हम? एज लेंथ को लेंगे सेंटीमीटर। ओके,
यहाँ पर जेड में ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। एससीसी अगर कहे तो वन हो जाएगा, बीसीसी कहे तो टू हो जाएगा, और एफसीसी कहे तो फोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ए को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो क्यों आएगी? क्योंकि उनको कन्वर्जन नहीं आता। तो मैं एक आपको सॉल्व करके बता देता हूं। जैसे उसने दे दिया 500 पिकोमीटर, तो 500 पिकोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो -12 मीटर हो गया। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं? और अगर हमने सेंटीमीटर में किया तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम डेसिमल को इधर लगा दे ऐसे करके तो ये पावर कितनी हो जाएगी? सर कैसे डेसिमल था? ये 500 था, अब हमने इसको 5 कर दिया। देख बड़ा बड़ा डेसिमल कर दिया, देख बड़ा दिखा रहे। 10 to power -8 10 to power -8। कभी कभी इस पिकोमीटर की जगह नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम आ जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो। ठीक है, तो ये अकल वाला कोई पार्ट है, इसको टीचर कभी नहीं करा सकता। क्यों? अगर एंगस्ट्रॉम आपको नहीं आता तो फिर कैसे करो? ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूं। तो कंडीशन नंबर 1, क्योंकि जो बुक्स में सॉल्यूशन दिए हुए हैं वो थोड़े लेंदी हैं और मेरे ही समझ में नहीं आते, तो तुम्हारे कहां से? ओके, अगर m एटॉमिक वेट है, अगर m क्या है? एटॉमिक वेट। अगर m क्या है? एटॉमिक वेट, देन na एवोगैड्रो नंबर हो जाएगी। na क्या हो जाएगी? एवोगैड्रो नंबर हो जाएगी। ओके, देखना कंडीशन नंबर टू। इफ m इज मास, मतलब ये उसका मोलर मास नहीं है और एटॉमिक वेट भी नहीं है, एटॉमिक वेट की जगह और मोलर मास भी आ सकता है। अगर m मोलर मास नहीं है, ठीक है ना, देन यहां भी भैया n आएगा, देन na इज नंबर ऑफ एटम, तब एने नंबर ऑफ एटम हो जाएगी। ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो नोट्स आपको भेजे थे उसमें ये दो कंडीशन लिखी होंगी, पर आप इतने अच्छी तरह इसको समझ नहीं सकते, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो अगर आपके पास पेन कॉपी है तो इन दो कंडीशन को आप स्पेसिफिकली अलग से लिख ले और मैं इनका यूज बताऊं। ओके, तो भैया सबने लिख ली? Yes, सबने ये? ठीक है, तो हम करते हैं एक क्वेश्चन। यस सर। और ठीक है, तो हम ऊपर वाला पार्ट हटा रहे और ये कंडीशन की जगह यहां लिख रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी को बच्चों नहीं दिख रहा? ले भाई, दिख तो रहा है यार, तू ऐसे ही बोलता रहता है। देख वीडियो अटक रही है आपकी। अबे हमारी नहीं अटक रही, तेरी अटक रही है। हम मेरे सामने दूसरी वीडियो में भी देख रहे। एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन एफसीसी स्ट्रक्चर, अब दिख रहा है? नो, अब दिख तो रहा है यार। ओके, एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन एफसीसी स्ट्रक्चर विद एज लेंथ 404 पिकोमीटर, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी देखते ही हमने फटाफट इसके साइड वाले फॉर्मूले को देखा, तो हमें डेंसिटी निकालनी है। तो बताओ
ये फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे, अगर आप बोर्ड में सिर्फ ये फॉर्मूला लिखते हो तो हाफ मार्क्स आपका हो जाता है, और जो बच्चा फॉर्मूला लिख लेता है कॉपी में वो हमें लगता है वैल्यू भी पुट कर ही देगा, ठीक है ना, तो आपको एक नंबर और मिल जाएगा। और जो इतना काम कर लेता है इसका मतलब वो बच्चा स्मार्ट तो है ही, तो वो थोड़ा बहुत इंटू भी कर लेगा। तो बताओ जेड की वैल्यू कितनी होगी? टू। जेड की वैल्यू एफसीसी के लिए 4 होती। अब अगर आपने पिछली क्लासों का रटा हुआ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि रटना नहीं चाहिए, भैया रटना ही पड़ता है, ठीक है ना, अब अगर आप वहां कैलकुलेट करोगे तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 होता है, किसी को डाउट? आप देखो ये 404 पिकोमीटर है, तो जो बच्चा स्मार्ट होगा वो तो झटक से ऐसे लिख देगा दिमाग में कैलकुलेट कर, और जो टेक्निकली कमजोर होगा वो पहले साइड में इसको मीटर में बदलेगा, फिर सेंटीमीटर में बदलेगा, ठीक है ना, और एने की जगह क्या आएगा? ये जीरो बड़ा कर दिया है मैंने डेसिमल, देखो ओके, अब साफ दिख रहा है। -8 की पावर 3 -8 पिकोमीटर को चेंज करते पिकोमीटर से सेंटीमीटर में। ओके सर, यहाँ हमने डेंसिटी की यूनिट लिखी थी, ओके ये डेंसिटी की यूनिट सेंटीमीटर में ही चाहिए। और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? इतना, कोई डाउट? अब आगे का काम क्या बचा? डिवाइड। तो कौन करेगा? यह कौन करेगा मल्टीप्लाई डिवाइड? तो करो फटाफट डिवाइड और बताओ। तू नहीं, डेसिमल के दो प्लेस पे बताओ भैया, डेसिमल के दो प्लेस तक बताओ। 2 पॉइंट आगे, आगे 4, 5, 6, 7 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब भैया अगर देखो तुम डिवाइड ही नहीं कर पाओगे तो कैसे काम करोगे? और बच्चा मालूम क्या कहेगा? मुझे फिजिकल नहीं आ रही, ठीक है सर। ऑर्गेनिक, अबे ऑर्गेनिक तो बहुत आसान, ऑर्गेनिक तो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लोग वाले हैं, ऑर्गेनिक पढ़ाओ से पहले। अब यार वो स्कूल में एलएन जा रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनिक भी पढ़ा देंगे यार, क्या है, सब आसान काम है, बस स्ट्रेस नहीं लेनी। जिसने स्ट्रेस ले ली या ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई बस वो जाता है, उसको कभी कुछ नहीं आता। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। यस सर, एनसीईआरटी का सॉल्व प्रॉब्लम है, पर एनसीईआरटी में जो सोल्यूशन दिया है वो बहुत लेंदी है, ठीक है ना, तो हम देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है? एन एलिमेंट प्रेजेंट इन बीसीसी स्ट्रक्चर। एक एलिमेंट है जो बीसीसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ठीक है ना, विद एज लेंथ एज लेंथ है इसकी 288 पिकोमीटर, ठीक है, कोई डाउट? इफ डेंसिटी इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी इतने मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना, कैलकुलेट सर। 7.2 है क्या? 7.2 भैया, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम एंड
नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 208 ग्राम ऑफ दिस सेल. फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं. एक बीसीसी क्रिस्टल है जिसकी एयर लेंथ 288 पिकोमीटर, ठीक है, जिसकी डेंसिटी 7.2 है. अब वो हमसे पूछ रहा है इस एलिमेंट के 208 ग्राम में कितने एटम और कितनी यूनिट सेल हो. तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा. इसका फॉर्मूला होता है डी इंटू जेड इंटू एम इंटू ए क्यू और इंटू एन. ओके, किसी को फॉर्मूले में तो डाउट नहीं. अब बच्चों एक बात बताओ, कंडीशन नंबर वन लगेगी या कंडीशन नंबर टू? कंडीशन नंबर टू. कौन सी? कंडीशन नंबर टू लगेगी, क्योंकि जब वेट दिया हो तो एने का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम. ओके, जिसने जिसने ये आइडेंटिफाई कर लिया उसका न्यूमेरिकल झट से हो जाएगा. अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो इसका सोल्यूशन बहुत ही लेंदी है, ठीक है ना. मैं भी एक जमाने में उसी मेथड से कराता था पर आजकल नहीं. तो देखना, डेंसिटी की वैल्यू 7.2 रख दी मैंने. कोई बता सकता है बीसीसी का जेड कितना होता है? 2 का जेड 2 होता है. एम यहाँ पर 208 ग्राम है, कोई डाउट? अब हमें पिकोमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी. तो मैंने डायरेक्ट तो कोई मुझको बता सकता है एनए कितना आएगा, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? कोई बता सकता है? तो करो ना, किसने मना किया भैया? ये काम हमको नहीं आता, हमको तो आंसर ही आता है सीधा. तो साइज, साइज तो भैया फटाफट इंटू करो. और आज क्लास दोबारा भी होगी भैया, जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक होगी. टॉपिक खत्म जब तक नहीं हो जाएगा तब तक होगी क्लास. तो दोबारा से भी आ जाना. खत्म होगी मतलब आज टॉपिक पूरा खत्म करेंगे भाई, तो वापिस से भी आ जाना, मतलब फिर से लॉग इन कर ले. कल कर लोगे? एने बताओ पहले तो. तू नहीं यार, पूरी एक डिजिट बताया करो, हमें ये सब पसंद नहीं. थ्री गलत. 1.86 पावर कितनी है? वैसे तो गलत है. पावर वैसे तो गलत है, वैसे चाहिए. तो इसका आंसर करीब इतना आएगा, 24 × 16 × 10⁴ क्या? यस सर, यही आ रहा है. यही आ रहा है सर. तो एने का तो ये क्या निकला है, नंबर ऑफ एटम? सही, सफिशिएंट साइज है मान लो मेरी. ये साइड हो रहा है, साइड हो जाए. हम अभी लड़ाई मत कर लेना, कोई चीज के लिए नंबर ऑफ एटम आ गए भैया. देखो नंबर ऑफ, देखो म्यूट करो फिर मेरे को म्यूट कर लो. करते हैं म्यूट करते हैं. सर उसकी मम्मी डांट रही है. सर पावर पॉजिटिव आएगी ना? पावर सही. ओहो पॉजिटिव आएगी भैया, एक सेकेंड हम एक मिनट वापस लौट के आते हैं. ये आ गए बोर्ड पर, से भी डूब जाते हैं, ठीक है ना. तो पावर पॉजिटिव आएगी. ओके यस सर. अब ध्यान से देखो और बताओ बीसीसी का जेड कितना होता है सर? बीसीसी का जेड 2. बीसीसी का जेड होता है 2. ओके,
तो देखना दो एटम मिलकर एक यूनिट सेल बनाते हैं, कितनी यूनिट सेल? वन वन। तो हमारे पास एटम कितने हैं? 24, 16 इंटू 10 रेज टू पावर 24। अबे भाई बता फिर से, अभी एक मिनट रुक है ना, इसे लिख दे नहीं तो फिर ये रह जाएगा दो का एक। तब तक क्या होगा, तो हो सकता है तेरा ही दिमाग चलने लगे। बता बीसीसी का जेड कितना होता है? टू टू टू। जेड का मतलब क्या होता है? टू जी, जेड का मतलब टू थोड़ी होता है, जेड का मतलब या तो जेब्रा होता है ठीक है ना, या जूम होता है, या जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम। क्या होता है? जेड का मीन्स होता है नंबर ऑफ एटम। बीसीसी का जेड होता है टू, और टू का मतलब होगा दो एटम है। कोई डाउट इतने में? अब सर वन यूनिट सेल कैसे आया? अरे यार ये तो जेड में समझाया था, एक यूनिट सेल में जेड के लोग फिर से बता देते हैं। बीसीसी में आठ एटम कॉर्नर पे होते हैं और एक एटम बॉडी के सेंटर पे होता है। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई? जेड की वैल्यू कितनी हो गई? टू। और ये टू बताता है कि बीसीसी में कितने एटम होते हैं। ओके, ये पुराने, हाँ ये पुराने पाप है। अब बताओ इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो हमने सही डिवाइड किया है क्या सर? 2.416 आएगा सर, ये 24 नहीं आएगा। तो इसको पावर 23 कर दे, अब तो आ जाएगा। यस सर। तो देख 23। ओके सर, एक बार साइड हो जाओ। अबे भाई हम तो साइड में ही है, अब आए ले साइड में आ गए। ये एनसीईआरटी के सॉल्व प्रॉब्लम है। विवास दो से एक नंबर, एक नंबर। भैया आ गया, आ गया सर। एफसीसी के केस में क्या होता? एफसीसी के केस में फोर होता है, जेड फोर हो जाता, बस बस जेड फोर हो जाता। ओके तो हम चले नेक्स्ट। बाकी एसएससी का वन होता है, एसएससी का और सीजियम क्लोराइड का। अच्छी बात यह है कि अपने यहाँ एक भी क्वेश्चन एसएससी का और सीजियम क्लोराइड का नहीं है, फिर भी अगर आप ठीक है ना, तो यूनिट सेल वन ही रहेगा। यूनिट सेल वन रहेगा, वन यूनिट सेल ही रहेगा भाई। करे हटा दें इसको। यस सर, हटा नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लिख डाले। तो हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, और नया क्वेश्चन क्या करता है, आप थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, नहीं तो yes. थोड़ी ज्यादा। एक क्रिस्टल है जिसका मोलर मास, एक क्रिस्टल है जिसका मोलर मास इतना है। ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, केजी पर मोल। सर मोलर 2.7 है, 2.7। देख बिंदी बड़ी लगा दी, ठीक है। इसकी एज लेंथ दी हुई है, इसकी एज लेंथ 405 पिकोमीटर, हिंदी में 405 पिकोमीटर। और इसकी डेंसिटी गिवन है 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 3 केजी पर मीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब वो हमसे पूछ रहा है नेचर ऑफ यूनिट सेल बताओ, नेचर ऑफ यूनिट सेल बताओ। तो
आधी जनता को तो यही पता नहीं लगेगा कि पूछ क्या रहा है। सर आया नहीं, जेड पूछ रहा है। वो हमसे जेड पूछ रहा है। तो उस जनता में से किसी एक आध को पता लगेगा कि जेड पूछ रहा है, ठीक है ना? Yes. और वो ही प्रधानमंत्री बन जाएगा। नेचर का मीन्स है वो हमसे जेड पूछ रहा है। अब ये जेड पूछ रहा है, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगेगा कि जब हम क्वेश्चन करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमको कभी पता ही नहीं लगेगा कि जेड फॉर जेवरा है या नेचर ऑफ जू, ठीक है ना? तो हम चलते हैं भैया सॉल्यूशन के अंदर। ओके, हमने फॉर्मूला लिख लिया और फॉर्मूला तो कई बार लिख चुके हैं। डेंसिटी की जगह लिख दिया 2.7 × 10³। और जेड हमें निकालना है, मोलर मास की जगह इतने केजी रख दिया। और एज लेंथ अपॉन अपॉन क्या? ओके, ये तो बंद हो गया। वापस करेंगे लॉगिन कि बहुत है? बंद नहीं हो। अच्छा, बंद नहीं हुआ। ओके, हमने यहाँ पर ए क्यूब की जगह रख लिया 4.05 × 10⁻¹। वापस लोगे क्या? हमें तो क्या प्रॉब्लम सर, क्वेश्चन लिखने दो। हमारा तो काम ही पड़ा है सर, क्वेश्चन एक बार लिख दो। अब क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। यह डेंसिटी इतनी है, मोलर मास इतना है। ओके, मोलर मास इतना है। हम यहाँ वापस से ऊपर लिख देते। ओके, डेंसिटी 2.7 × 10⁻²। जेड जेड नेचर ऑफ भैया, नेचर ऑफ यूनिट सेल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जेड नेचर ऑफ यूनिट सेल सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। तो कोई जेड कैलकुलेट करके बताएगा क्या? एफसीसी आ रहेगा सर। नहीं, जेड कितना है? 4 अप्रोक्स। इसका जेड अप्रोक्स 4 आ जाएगा, 3.99 के आसपास आएगा। और 3.99 सुनाए हैं, 4 के बहुत करीब, ठीक है ना? हाँ बोल भैया। भैया इनटू में हमारे बस की बात नहीं है हेल्प करना। इनटू नहीं कर सकते। ओके, फटाफट करें अगला क्वेश्चन। करें भैया अगला क्वेश्चन। देखो भैया, एजी क्या है? एफसीसी यूनिट सेल में मिलता है। किसमें मिलता है? एफसीसी। एनसीईआरटी का 11th नंबर का क्वेश्चन है। इसकी एज लेंथ इतने दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 4 इतने सेंटीमीटर। ले दिख गया? अभी भी नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है क्या? यस सर। और इसकी ए इतनी दे रखी है और उसकी डेंसिटी दे रखी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कहता है सिल्वर का एटॉमिक वेट निकालो। सिल्वर का क्या निकालो? एटॉमिक वेट निकालो। तो अगर हम स्मार्ट हैं, अगर हम स्मार्ट कर लेंगे तो हमें घर से याद होना चाहिए एजी जिंक और कॉपर के एटॉमिक वेट। अगर किसी बच्चे को नहीं आते तो वो डॉक्टर और इंजीनियर तो बनने से रहा, ठीक है ना? तो इसका बताओ एजी का एटॉमिक वेट 63.5। ये कॉपर का होता है। जिंक 108। 108 इज ए करेक्ट आंसर। तो 10.5 एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी? 4। एम हमको निकालना है 4.07 × 10⁻⁸।
यहाँ सेंटीमीटर में ही दे रखा था, इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया है। डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। सर एक बार, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो 107.9 ग्राम आ गया, ठीक है ना। जो अप्रोक्स, जो अप्रोक्स 108 के पास में ही, अप्रोक्स अप्रोक्स 108, ठीक है बड़े भैया। सर हाँ बोल। शुरुआत में, शुरुआत में मतलब हम समझे नहीं। सर फॉर्मूला आपने लिखवाया था ना पहले, सबसे पहले। हाँ डेंसिटी का, डेंसिटी तो लिखनी ही पड़ेगी भैया। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो न्यूमेरिकल मोह माया है, उसी टाइम छोड़कर चल दो आगे और फिर फॉर्मूला याद करो और फिर आ जाओ। तो हम आज का आखिरी क्वेश्चन कर रहे, वो कहता है नायोबियम एफसीसी यूनिट सेल में मिलता है। किसमें मिलता है? एफसीसी यूनिट सेल में मिलता है। इसकी डेंसिटी गिवन है 8.55, ठीक है ग्राम, और इस यूनिट 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 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एम इसका एटॉमिक वेट है जो दिया हुआ है 93, कितना 93। ओके हमें इससे दो चीजें निकालनी है, हमें निकालनी है इससे रेडियस, हमें निकालनी है रेडियस पिकोमीटर में, रेडियस पिकोमीटर में किसी में भी निकाल दो चलेगी। तो अब क्या होगा, हमने जो डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था ठीक है ना, वो तो ये था z इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यू इंटू एन ए, और इसमें तो रेडियस कहीं है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम a से निकाल सकते हैं। बीसी एफसीसी के लिए a में और r में रिलेशन क्या होगा, रूट टू बाई फोर इक्वल टू रूट टू बाई फोर हो जाएगा, r इज इक्वल टू रूट टू बाई फोर, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम ए क्यूब निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है, आप इसके रेडियस निकालकर पोस्ट करो। सर ए निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे, ए निकलेगा यार, ए दिख नहीं रहा है सर, एक सेकेंड। हाँ हम तो, हमें आता ही नहीं, इंटू करना ही नहीं आता। हम तो वैल्यू रख देते हैं 8.55, एफसीसी है तो जेड 4 हो गया, एम 93 हो गया, ए क्यूब हमें निकालना ही है 6.0 इंटू कितना आया, ए की वैल्यू कोई बता सकता है? ए क्यूब की वैल्यू देखो भैया सिंगल डिजिट में बताया करो, हमें तो समझ ही नहीं आती है। रूट आर इक्वल्स टू 7.98 पिकोमीटर। देखो ऐसे लिखना सीखो और ऐसे ही बताना सीखो, ये क्यूब आया है। जब हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो 3.31 इंटू 10^-8 आ जाए, ये ए की वैल्यू आई। अब कोई पूछेगा कैसे भैया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पड़ेंगे। अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आर की वैल्यू मैं रख ही देता हूं रूट टू बाई फोर, और ए की वैल्यू 3.31 इंटू 10^-8, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1.43 10^-8 1.43 × 10^-8 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है ना, ये इसकी रेडियस आ चुकी है।
अब भैया कोई इंटू में डूब जाए तो बड़ा कठिन काम। ये हमारा डेंसिटी टॉपिक बाय बाय हो गया। हाँ तो शुरुआत में आपने सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया था ना? हाँ जी बिल्कुल, गेट हो गया था पांच। कोई बात नहीं, हम वो रिकॉर्डिंग भेज देंगे। यही रिकॉर्डिंग हम शायद यूट्यूब पे भी डालेंगे। ओके कब सर? भैया है आज ही डालें भैया। कोई वो स्क्रीन अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट भेज देना। यस सर। पूरी भेजना। हाँ पूरी भेजना। वो बच्चे रह जाते फाइन लग रहा है, जो बच्चे नहीं आते हैं उनके ऊपर फाइन है, हर अटेंडेंस का 100 रुपया। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी में सर जो आज आपने वीडियो भेजी, आखिरी चैप्टर है वो सॉलिड स्टेट के सॉलिड